पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर अनाज घोटाले को लेकर आरोप लगाया और इसके लिए वे कई पीड़ित हितग्राहियों को सामने लेकर आए। दिग्विजय सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि देश में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अनाज घोटाले को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम लोगों ने एक टीम बैरसिया में जांच करने के लिए बनाई थी, जिसमें कई गांव में जांच की गई। उन्होंने बताया कि कमेटी में गजेंद्र सिंह सोलंकी, रामभाई मेहर, रामगोपाल मीणा सहित कई अन्य लोग शामिल थे। टीम ने मौके पर जाकर जांच की। जांच में पता चला कि हितग्राहियों को 5 माह में जो 30 किलो अनाज मिलना चाहिए था, उनको अनाज नहीं मिल रहा। नारायण सिंह अहिरवार के पास पीला राशन कार्ड है, उनको 1 क्विंटल 50 किलो अनाज मिलना चाहिए था, लेकिन 60 किलो मिला और कार्ड में 70 किलो दर्शाया गया। सुरेश सिलावट नजीराबाद के रहने वाले हैं। परमिट पर 3 लोगों के नाम है, जबकि घर में 7 सदस्य हैं। ना ही नाम जोड़े गए और ना ही अनाज दिया गया। घास लेट भी नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही कई हितग्राहियों की समस्या को दिग्विजय सिंह ने बताया। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में आदिवासियों को भी किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा, जांच की जाए तो लाखों क्विंटल अनाज में गड़बड़ी मिल जाएगी। मेरी मांग है कि इसके लिए स्पेशल जांच कमेटी बनाकर उसको काम सौंपा जाए और खाद्य विभाग के अधिकारी जिसने भी गड़बड़ी की है उन पर कार्रवाई की जाए। पूरे प्रदेश में खाद्य वितरण व्यवस्था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किस कदर की धांधली चली हुई है, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किस प्रकार से है, उसका नमूना आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ। हमने करीब 8 ग्राम पंचायतें हैं बैरसिया में, वहाँ काफ़ी नीचे जाकर हम लोगों ने हितग्राहियों से बातचीत की है और जो बातचीत हमारी हुई है उसके बारे में यहाँ पर ये उल्लेख किया जाएगा। मैं भी बताना चाहता हूँ कि खाद्य वितरण व्यवस्था जो है वो इस प्रकार की है, जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर 2 वर्ग हैं। एक वो जो कि BPL के लिस्ट में शामिल है, उनको नीला कार्ड दिया जाता है और नीला कार्ड वालों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर महीने अनाज दिया जाता है। और दूसरा अंत्योदय है, जो अति गरीब है उनको पीला कार्ड दिया जाता है और पीला कार्ड के तहत 35 किलो प्रति परिवार दिया जाता है। इसी प्रकार कोरोना के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त में 5 किलो प्रति व्यक्ति का मई और जून का अलॉटमेंट अभी आया है, जो कि नहीं बटा है कई जगह पर, जिस जो कि पोर्टल पे चढ़ाया जाता है और ये नवंबर तक मुफ्त में देने का है। वैसे ये जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से अनाज का वितरण होता है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने उसे मुफ्त में देने का तय कर लिया था अप्रैल से। वो और प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना, ये दोनों का वितरण एक साथ हुआ है, यानी कि डबल वितरण हुआ है, लेकिन मौजूदा जो वितरण हुआ है वो आधे से कम हुआ है, पोर्टल पे चढ़ गया मिला नहीं। केरोसिन का तेल का वितरण बताया गया है पोर्टल पे, जबकि केरोसिन का तेल बटा नहीं। शक्कर का वितरण बताया है, जबकि शक्कर का वितरण हुआ नहीं है। और लोगों को जो कहा गया है उससे कहीं कम उनका वितरण हुआ है। तो लाखों क्विंटल अनाज में गड़बड़ी है। शक्कर और केरोसिन तेल तो मिलता ही नहीं है, नमक भी नहीं मिलता है। इसलिए पूरी जांच कराने के लिए मेरी मांग है कि इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाए और उसको ये काम सौंपा जाए और खाद्य विभाग के पूरे अधिकारी, जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, जो दुकानदार हैं उन पर, फूड इंस्पेक्टर, फूड ऑफिसर, इन सब पर, इन पे खिलाफ FIR दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए
ये हमारी मांग है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूरे देश में फैल रही गरीबी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आई है, इस पर कानून बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं मुझे उसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या कहते हैं क्या करते हैं मैं उस बारे में इतना ही कहूंगा कि इस देश के लोगों का महंगाई और बेरोजगारी और गरीबी पर से ध्यान भटकाने के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार आज जनसंख्या नियंत्रण की जो बात कर रही है ये केवल ध्यान बटाने के लिए की कर रही है और पूरे देश में बिना किसी कानून के हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट 4 बच्चे प्रति महिला से घटकर लगभग 2 से 3 बच्चे पे आ गई है और 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट संभावना है कि 2025 तक आ जाएगी, इसलिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।